बस बहुत हो गया तुम्हारा थैनोस और तुम्हारी गोस्ट आर्मी, तुम सबको मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे प्यारे डोरेमोन को मार दिया? डोरेमोन उठो यार, क्या हुआ डोरेमोन तुम्हें? हमने बस हमारे ग्रैंडपा की मौत का बदला लिया है फ्रैंकलिन। तुम घटिया एवेंजर्स ने हमारे ग्रैनी के पति ग्रैंडपा को मार दिया, इसलिए हमने बदला लेने के लिए तुम्हारे डोरेमोन को मार दिया। अबे वो पेनीवेज चिप कर भाई, हमने हमारे ग्रैंडपा को नहीं मारा ही, बल्कि हम ग्रैंडपा को क्यों मारेंगे हाई? ग्रैंडपा को मैं बहुत ही प्यार करता था, ग्रैनी में सच बोल रहा हूँ, हमने आपके ग्रैंडपा को नहीं मारा ही। चुप हो जाकर देखे बच्चे सिंचैन, तू तो कुछ बोल ही मत, मुझे पता है कि तू कितना बड़ा शरारती बच्चा है। अभी तू बहुत ही मासूम बन रहा है कि हमने नहीं मारा, पर पक्का तुम लोगों ने मारा है। ग्रैनी यार हम लोग सच बोल रहे हैं, हम लोग ने नहीं मारा ग्रैंडपा को। अरे अब रहने दो फ्रैंकलिन, ये भूत लोग कभी नहीं सुधरने वाले, ये लोग हमारी बात पर कभी यकीन नहीं करने वाले, इन्हें तो बस एक मौका चाहिए हम एवेंजर्स से लड़ने का। हल्क को बहुत ही गुस्सा आ रहा है, हल्क थैनोस को छोड़ेगा नहीं, उसने डोरेमोन को मारा। डोरेमोन हल्क को बहुत सारे डोरा केक देता था, अब डोरा केक कैसे खाएगा हल्क? हमारा डोरेमोन बहुत ही प्यारा था, पर अफसोस वो हमारे बीच नहीं रहा। अगर ये बात नोबिता को पता चली तो नोबिता तो बिल्कुल अकेला ही पड़ जाएगा, उसे जीन और सुनिया से कौन बचाएगा? और हमारी ग्रैनी अकेले पड़ गई, उसका क्या? हाँ आखिर हमारी ग्रैनी ग्रैंडपा के बिना क्या करेगी? अब इस बात की सजा तुम लोगों को मिलके रहेगी एवेंजर्स। तुम लोग सुपर हीरोज नहीं हो, बल्कि तुम लोग सुपर हीरोज बनने का नाटक करते हो। तुम लोग ऐसा दिखाते हो कि तुम लोग बहुत ही अच्छे हो, पर तुम उन्हीं अच्छाई के पीछे मासूम लोगों की जान लेते हो और उन्हें धोखा देते हो। तुम सबकी असलियत में बाहर लाकर ही रहूंगा एवेंजर्स। अब तुम सब एवेंजर्स को खत्म करने का वक्त आ चुका है, इसलिए मैं लाया हूँ सबसे खतरनाक मॉन्स्टर थॉमस एंड ट्रेन को। ये थॉमस एंड ट्रेन तुम में से किसी भी एवेंजर्स को छोड़ेगा नहीं, जान से मार डालेगा तुम सबको। अबे थैनोस तो कुछ बोलो ही मत, वो तुम ही हो ना जिसने ब्रह्मांड के आधे लोगों को मिटाने की कोशिश की थी। सबसे ज्यादा बुरे तो तुम लोग हो थैनोस की आर्मी, और हम लोग नहीं डरते किसी थॉमस की ट्रेन से, क्योंकि हमारे पास उसका बड़ा भाई है चूचू चार्ल्स। हमारा चूचू चार्ल्स बहुत ही खतरनाक वाला मॉन्स्टर है, और जो भी उसे लड़ता है ना वो हमेशा टपक ही जाता है, समझे क्या? क्यों, मैंने सही कहा ना चूचू चार्ल्स? हाँ तुम बोल तो बिल्कुल सही रहे हो, पर मेरा भाई थॉमस उन लोगों की टीम में क्या कर रहा है? भाई थॉमस मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, हमेशा मेरी टीम में रह कर हमेशा मेरे दुश्मनों की टीम में क्यों चला जाता है? भैया अब मैं क्या बोलूं, मुझसे ग्रैनी का दुख देखा नहीं गया, उसके ग्रैंडपा को मार दिया, इसलिए मुझे उसका साथ देना पड़ा। अरे पर भाई हमने ग्रैंडपा को नहीं मारा है, वो तो तुम्हें उल्लू बना रहे हैं। चुप रहा, मैंने मेरी आंखों से देखा है ग्रैनी कि इन एवेंजर्स ने ही हमारे ग्रैंडपा को मारा है, इसलिए मैंने ये जल्दी से जाके थैनोस भैया को बता दिया। मेरी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। नहीं ग्रैनी, इसकी बातों पर विश्वास मत करो, ये थैनोस का चमचा बिल्कुल झूठ बोल रहा है, हमने नहीं मारा तुम्हारे ग्रैंडपा को सच में। चुप करो फ्रैंकलिन, मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलेगा। तुमने मुझे धोखा।
स्पाइडरमैन, तुम जाओ फ्रैंकलिन को बचाने के लिए, बाकी इन भूतों को तो मैं देखता हूँ, और थैनोस तुम मुझसे लड़के दिखा। अरे अब ऐसे कैसे, हम तुम लोगों को यहाँ से कहीं जाने नहीं देंगे, हम सारे एवेंजर्स को यही मारेंगे। क्यों, मैंने सही कहा ना थैनोस मालिक? बिल्कुल सही कहा तुमने गोस्ट राइडर। लड़ रहे हैं पर इन्हें नहीं पता कि इनके ग्रैंडपा को मैं नहीं मारा है चुप चुप के। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये बात है कल रात की, जब ग्रैंडपा अपने घर के बाहर बस टहल रहा था। आज तो मैं बिरयानी खाऊंगा, मेरी ग्रैनी बिरयानी बनाएगी। बहुत मजा आएगा, मेरी प्यारी ग्रैनी बिरयानी बनाएगी। तब मैं उस ग्रैंडपा के घर के पीछे उसके पीछे छुप छुप के जाकर चला गया, और ग्रैंडपा जब मुझे नहीं देख रहा था तब मैंने उसे बेसबॉल बैट से मार दिया। अरे बाप रे, मार दिया रे। और फिर मैंने ये बात जल्दी से जाकर मेरे थैनोस मालिक को बताई। अरे थैनोस मालिक, थैनोस मालिक, आपको पता है कि अभी अभी क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बेटे, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? मैंने अभी अभी देखा कि उन एवेंजर्स के बच्चों ने हमारे प्यारे ग्रैनी के पति ग्रैंडपा को मार दिया। क्या कहा, एवेंजर्स ने ग्रैंडपा को मार दिया? अब इस बात की सजा उन पिद्दी एवेंजर्स को मिल के रहेगी। एवेंजर्स में तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मेरे प्यारे ग्रैंडपा नहीं, आप मार नहीं सकते ग्रैंडपा। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था, पर अब तक ये बात किसी को भी पता नहीं चली, इसलिए आप भी ये बात सीक्रेट रखना, ओके? कमेंट सेक्शन में जाकर बताना मत कि ये काम मैंने किया है, वरना तुम्हारे साथ भी यही होगा। अबे ओए, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? हाँ क्या यार, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर, मुझे साइकिल चलने भी नहीं देते। हाँ, पागल कहीं के। अबे चल निकल यहाँ से पागल कहीं का साला, यहाँ पर साइकिल चलाने किसने बोला तुझे, गधे का बच्चा? अरे पर वहाँ पर हमारे फ्रैंक भैया मार खा रहे हैं, उन्हें कोई बचाओ, यानी उन्हें छोड़ेगी नहीं कोई, तो बचाओ। रुको, मैं जाता हूँ फ्रैंक को बचाने के लिए। फ्रैंकलिन मैं आ रहा हूँ, ओके पानी में कूदो फ्रैंकलिन, तुम्हें मैं बचाऊंगा, हल्क बचाएगा तुम्हें, मैं आ रहा हूँ फ्रैंकलिन। अरे अब ऐसे कैसे, थैनोस के होते हुए ग्रैनी को कोई टच भी नहीं कर सकता, मैं तुम्हें ग्रैनी को हाथ भी लगाने नहीं दूंगा। हल्क के बच्चे कहाँ पर है तू? तू चाहे कितना भी दूर चला जाए, मैं तुझे ढूंढ लूंगा हल्क साले। हाँ एक मिनट जरा देख तो ये कि हल्क कहाँ चला गया। हल्क यार ये तो गायब ही हो गया, अचानक से कहा जा सकता है ये गधे का बच्चा? हल्क यहाँ पर है गधे के बच्चे, थैनोस के बच्चे मैं आ रहा हूँ, तेरी तो ये ले। अरे बाप रे, ये क्या, ये हल्क यहाँ पर कैसे आ गया? हाँ तेरी तो ये ले, थैनोस मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा, ये ले पकड़ पकड़ के हल्क। स्मैश, थैनोस तेरी तो आजा मेरे हाथ में। पानी में कहाँ चला गया गधे के बच्चे? मैं चाहता हूँ कि तू मेरे पास आ जा थैनोस, जल्दी से आ जा वरना तू बचेगा नहीं। तू क्या हमें पकड़ेगा हल्क के बच्चे? मैं आ रहा हूँ, हाँ तेरी तो, आ जा, हाँ पकड़ लिया। अरे बाप रे छोड़, तू जानता नहीं कि तू कितनी बड़ी गलती कर रहा है, मैं सब जानता हूँ। हाँ तेरी तो, हाँ ये ले, इन्फिनिटी वॉर की मूवी में तूने मेरी बहुत ही पिटाई की थी,
होगी, पर अब तेरी पिटाई मैं करूंगा, तेरी तो आई ले हल्क स्मैश, हल्क अटैक, हल्क अटैक, हल्क स्मैश, ये ले छोड़ दिया। अरे बाप रे, ये कुछ ताकतवर निकला। हाँ हल्क पत्थर अटैक, पत्थर उठाया और थैनोस पर फेंका, हाँ पत्थर उठाया और थैनोस पर फेंका, हाँ दे तो ये ले, ये ले, ये ले, अरे ये ले। अरे बाप रे, मैं तुझे ऐसे मारूंगा कि तू हमेशा याद रखेगा, हाँ हल्क पंच, हल्क किक, हल्क स्लैप। अब बस बहुत हो गया, इस हल्क को दिखाना पड़ेगा कि हम भी क्या चीज है। हाँ तेरी तो हल्के बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमें मारेगा, तेरी तो ये ले फुल मिट्रेड का हमला, तेरे पर पूरा मिट्रेड बरसा दूंगा, मार डालूंगा। तूने क्या सोचा था कि थैनोस से बचना आसान होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो ये ले बीम का हमला। हाँ तेरी तो ये ले वापस से बीम का हमला। मैं तुझे मार मार के तेरा भूर्ता बना दूंगा हल्के बच्चे, तेरे तो ये ले वापस बीम का हमला। तुझे पता नहीं है कि तू किससे पंगा ले रहा है हल्के बच्चे, मेरा पीछा क्या कर रहा है? रुक जा, हल्क तुझे छोड़ेगा नहीं, हल्क मार देगा। थैनोस को मारने वाला अब तो कोई पैदा नहीं हुआ। ये ले तेरी तो ये ले, मुझे गुस्सा रहा, ये ले मैं तेरी ऊपर कार बरसा बरसा के फेंकूंगा, हाँ तेरी तो ये ले। अबे ये क्या, हल्के पास ये ताकत नहीं है, ये ले फोड़ दूंगा, मोड़ दूंगा। तू मुझे कभी नहीं फोड़ पाएगा हल्क, क्योंकि मुझसे पंगा लेना नामुमकिन है, और मुझे मिटा दूंगा मेरी इन्फिनिटी स्टोन की मदद से। मेरी इन्फिनिटी स्टोन का हमला, मेरी इन्फिनिटी स्टोन का वापस हमला, आती तो ये ले, ये ले। अब वक्त आ गया तुझे मिट्टी बनाने का, ये ले हल्क स्नैप। ये क्या, हल्क को क्या हो रहा है, हल्क गायब हो गया। देखा, थैनोस से कभी पंगा नहीं लेते बच्चे, अब ये हल्क तो गया, अब बाकी एवेंजर्स की बारी। अरे बाप रे, ये क्या है, उस थैनोस से तो हमारे हल्क को भी मार दिया, अब हमारे क्या होगा एवेंजर्स, अब हम क्या करेंगे, ये भूत लगता हम सबको मार डालेंगे। मैंने कहा था ना कि हमारी ग्रैंडपा की मौत का बदला हम तुम सबसे लेके रहेंगे एवेंजर्स। अब हमारे थैनोस मालिक को बहुत ही गुस्सा आ गया है, अब तुम सब लोग बचोगे नहीं। इन भूतों को तो मैं अब दिखाता हूँ कि आयरन मैन क्या चीज है। साले एबोरी मैन तेरी तो क्या, थैनोस के महान बेटे का तुमने साला बोला? हाँ हाँ साला बोला तेरे को मैंने, और तेरी तो साले तू ये ले। अरे बाप रे, मार दिया रे, थैनोस के बेटे को मार दिया। मेरा तो बस एक पंच ही काफी था तुझे हराने के लिए, और तुम तीनों, अगर तुम तीनों को जिंदा रहे तो हमारी बात को मानो, हमने तुम्हारे ग्रैंडपा को नहीं मारा है। अगर तुम एवेंजर्स से नहीं मारा है तो किसने मारा है, अभी ये मुझे नहीं पता। ये सारे एवेंजर्स झूठे हैं, पक्का इन्हें नहीं मारा है। गोस्ट राइडर देख के रहे हो, मारो इस आयरन मैन को, तुम कहो विलन, और ये मेरी गोस्ट राइडर की पावर हो जाए ऑन। अब मैं बन चुका हूँ गोस्ट राइडर, और तुम्हारी तो तुम लोग ये लो। अरे बाप रे, ये क्या, आग का हमला कर रहा है। अरे नो नो नो, अरे चुचू चार्ल्स को मार दे इसने। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो चुचू चार्ल्स हो या डॉक्टर स्ट्रेंज या स्पाइडरमैन, सबको जला कर रख दूंगा। डॉक्टर स्ट्रेंज के भी मैंने दो टुकड़े कर दिए, स्पाइडरमैन को भी मैंने जला कर राख कर दिया, और अरे बाप रे ये क्या, लगता है कि मैंने पेनीवाइज और इविल को भी गलती से मार दिया। कोई बात नहीं, तुमने ये क्या किया गोस्ट राइडर। क्या थॉमस, तुम्हें क्या हो गया थॉमस, तुमने मेरे भैया चूचू चार्ल्स का क्यों मारा? अरे वो तो गलती से मर गया। अब तू बचेगा नहीं। क्या मैं नहीं बचूंगा, चल हट, तो तू नहीं बचेगा। ये क्या, ये क्या, इसके तो आर पार जा रहा है ये। अभी ये क्या, इसे कुछ हो की नहीं रहा। अरे अरे अरे, कुछ नहीं हो रहा इसे। अरे गोस्ट राइडर के बच्चे, तुमने मेरे सारे एवेंजर्स दोस्तों को मार दिया, अब तुम बचोगे नहीं। हाँ क्या, ये तो सिंचन की आवाज है। अबे क्या सिंचन, अब तू जिंदा कैसे बच गया बे? अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा गोस्ट राइडर, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ते तो खतरे के बच्चे, तो ये ले पंच, ये ले मेरा मुंह का पंच, पंच 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 पंच, मैं तुझे ऐसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला, मैं तुझे बहुत मारूंगा। ऐसी तो ये ले। अबे बस कर, खतरे के बच्चे सिंचन कितना मारेगा। अबे बस कर, बस कर, मुझसे गलती हो गई। तू भाड़ में जा साले, मुझे मार के रहूंगा। ये ले मेरा पंच, ये ले मेरा पंच, उड़ा दूंगा। ये ले, दो टुकड़े कर दिए तेरे। ये ले, और इसका एक टुकड़ा इधर, और इसका एक टुकड़ा इधर। ये ले। अरे बाप रे यार, मेरी तो चटनी बना दी, मेरे दो टुकड़े कर दिए, मेरा पैर किधर गया? तूने बहुत बड़ी गलती कर दी गोस्ट राइडर, अब हमारे एवेंजर्स को मार कर तू बचेगा नहीं। तेरा पैर कहाँ गया, तेरा पैर तो इधर ही था ना, चलो कोई नहीं। ये ले मेरा पंच, अटैक रे गे पावर। ये क्या,
सकते कि पानी में डूब के मर के साला ही। ओके ये गई, अब मैं थैनोस को मारूंगा ही। ओए ग्रैनी को मारूंगा, थैनोस तेरी तो काम पर छुप के बैठा है, तूने हमारे हल्क को मार दिया, मुझे छोड़ूंगा नहीं। कहा के अरे बाप रे बोल रही के मुझे थैनोस, थैनोस के बच्चे में आ क्या है? क्या सिंचन तू यहाँ पर क्यों आया है? तुझे मारने के लिए। अरे बाप रे यार, मार दिया रे इसने तो मुझे। और ये मेरा सुपर स्पिरिट बॉम्ब, अटैक मचा। अरे बाप रे, जला के रह कर दिया मुझे। देखा ही, मैंने कहा था ना, मैं सब पंखा लेकर नदी चाहे, ये ले पानी में डुबा डुबा के मारूंगा, ये ले ये ले ये ले, फुल पावर्स अटैक उड़ा दिया है। अब ये थैनोस भी गया है। अब ग्रैनी, ग्रैनी कहाँ पर हो तुम? मेरे फ्रैंकी भैया को मारकर तुम जिंदा नहीं बचने वाले। ग्रैनी कहाँ छिपकर बैठी हो? जल्दी से बाहर आ जाओ। फ्रैंकी भैया कहाँ गए? ग्रैनी सिंचन मेरे भाई, हम दोनों यहाँ पर खड़े हैं। क्या फ्रैंकी भैया, ग्रैनी आप दोनों साथ में? अच्छा हुआ कि आप दोनों लड़ नहीं रही हो। सिंचन मुझे माफ कर देना, फ्रैंकली ने मुझे समझा दिया है कि उन एवेंजर्स ने मेरे ग्रैंडमा को नहीं मारा है। मुझे माफ कर दो मेरे पोतो कि मैंने तुम दोनों पर शक किया। कोई बात नहीं ग्रैनी, पर अभी हमें इस बात का पता लगाना होगा कि हमारे ग्रैंडमा को मारा किसने। हाँ फ्रैंकी भैया, मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे ग्रैंडमा को आखिरकार किसने मारा होगा। हमारे ग्रैंडमा को जिसने भी मारा होगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसे इस बात की सजा मैं दे ही रहूंगी। पता नहीं कहाँ छुप कर बैठा होगा वो कमीना इंसान। अरे बाप रे, कोई बचाओ मुझे।